हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है, लेकिन उसको मैंने दो में डिवाइड किया है। थोड़ा सा आज पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट ईयर जो कमिंग फ्राइडे को होगा ना हमारा लेक्चर, तो मतलब इसी वीक में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर एक ही है, बट ऑलमोस्ट हमारा तो सिलेबस तो कंप्लीट ही था, लेकिन मैंने अलग से हमारे सब स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें थोड़े से इमेजेस रीड करने नहीं आ रहे, या कोई डिजीजेज ऐसी हैं जिसको हम लोग एक्सप्रेस के ऊपर जो है वो देख नहीं पा रहे, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ना आपके लिए बनाया लेक्चर के खास तौर पर चेस्ट एक्सप्रेस की रीडिंग के नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को कैसे रीड करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास कुछ अबनॉर्मैलिटीज हैं चेस्ट की, क्योंकि चेस्ट एक्सरे बड़ा कॉमन है, चेस्ट एक्सरे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और उसको एटलीस्ट आपको उसकी प्रॉब्लम्स को रीड करना आना चाहिए। जो मेन मेन जितनी भी चीजें हैं ना, वो हम लोग उसको आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। खासतौर पर उनकी इमेजेस को गौर से देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, और क्या उनकी डेफिनेशंस होती हैं, क्या लंग्स की नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, और नॉर्मली हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं चेस्ट एक्सरेज के अंदर, ठीक है। फिर उसकी पोजीशनिंग तो हमने बेसिकली पहले पढ़ी नहीं थी, लेकिन फॉर चेस्ट एक्सरे कौन सी पोजीशन जो है वो किस पर्पस के लिए ली जाती है, आई मीन पीए व्यूज फॉरवर्ड एंड एपी व्यूज फॉरवर्ड, लेटरल व्यू किस तरह करते हैं, लेटरल व्यू अगर करना है तो हमें कौन सी साइड जो है वो केसिट के साथ अटैच होनी चाहिए। लेटरल साइड तो हम दोनों साइड से कर सकते हैं, एक्सरेज दोनों साइड से जो है ना वो पेनिट्रेट करेंगे, और दूसरी साइड पे हमारे पास एक्सरे फिल्म होती है, तो वो एक्सरे फिल्म किस साइड पे रखनी है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, वो चीजें, ठीक है। पीए व्यू और एपी व्यू में क्या फर्क होता है, और उसके इमेज को कैसे हम कह सकते हैं कि ये एपी व्यू है या पीए व्यू है, ठीक है, तो वो चीजें आज डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक या दो मतलब आज तो चेस्ट एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी एक दो मैंने और मतलब बोन्स नी या कोई और मस्कुलोस्केलेटल की जो है ना एक्सरे जो इम्पोर्टेंट है, नी हो गया या एक और जो है ना वो हम लोग उसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा लेक्चर है चेस्ट एक्सरेस के ऊपर, ठीक है। नॉर्मल चेस्ट एक्सरेस के लिए हम लोग क्या पोजीशनिंग करेंगे, एंड हाउ टू इवैल्यूएट द चेस्ट के उसके अंदर क्या क्या नॉर्मल एनाटॉमी है, नॉर्मल एनाटॉमी आपको रीड करनी आनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल एनाटॉमी को रीड कर सकते हो इजीली, तो आप पैथोलॉजी को फॉरन पिक कर सकते हो, ठीक है। तो द चेस्ट एक्सरे इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन प्लेन फिल्म्स एंड इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू मास्टर, बिकॉज एक जैसी पैथोलॉजीज हैं कुछ जो कि हमें एक्सरेज से एक जैसी नजर आती हैं, बहुत सारी ऐसी पैथोलॉजीज हैं जिनका डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। देन उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अदर मोडालिटीज की उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीटी स्कैन या एमआरआई, ठीक है, उसमें हम लोग फिर क्लियर कर सकते हैं कि ये इसको ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमें पता है कि हमें चेस्ट एक्सरेज के ऊपर कुछ चीजें जो हैं वो तो हम लोग देख सकते हैं, कि अगर कोई एयर फिल्ड एबनॉर्मेलिटी है या कोई फ्लूड फिल एबनॉर्मेलिटी है, तो उनको तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय सेइंग कि ये जो है फ्लूड फिल स्ट्रक्चर ऐसे नजर आते हैं, और जो हमारे पास एयर फिल्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे नजर आते हैं। अगर कोई फ्रैक्चर है तो वो हमें बोन्स के अंदर किस तरह की ब्लैक लाइन नजर आ सकती है, क्लियरली वी कैन सी फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो जो है हमारे पास कॉमनली सीन प्लेन फिल्म्स बट डिफिकल्ट टू मास्टर्स बिकॉज ऑफ द सेम विजुअलिटी ऑफ डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज। So there are many ways to evaluate the chest. A systemic approach is usually the best. One method is described here. इसमें हम लोगों ने सिर्फ पीए व्यू को जो है डिस्क्राइब किया है, नॉर्मल पीए व्यू चेस्ट एक्सरेज के लिए क्यों किया जाता है। नॉर्मली हम लोग ज्यादातर जो है ना पीए व्यू ही करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग पीए व्यू इसलिए करते हैं, नंबर वन इज ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी था, शायद मैंने दिया भी था, और नहीं दिया तो जरूर दूंगी अब, कि हम लोग पीए व्यू करते क्यों है। एक तो पीए व्यू के अंदर हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं कार्डिक मैग्निफिकेशन। कैसे, पीए व्यू का क्या मतलब होता है, पीए व्यू में जो है द एक्सरेज एंटर द पेशेंट पोस्टीरियरली एंड एग्जिट एंटीरियरली। पीए मैंने आपको बताया था जो पहले आ रहा है वर्ड, दैट इज पोस्टीरियो इंटीरियर है, तो पोस्टीरियरली हमारी एक्सरेज एंटर्ड होंगी, और आगे हमारे पास एंटीरियर है तो एंटीरियरली वो इमिट होंगी,
और हमारी जो आगे फिल्म पड़ी हुई है इंटीरियर साइड पे वहां पे हमारे पास वो डिटेक्ट हो जाएगी. तो पीएमयू के अंदर कैसेट विल बी ऑन द इंटीरियर साइड एंड एक्सरेज रेज विल बी ऑन द पोस्टीरियर साइड पीएमयू. ठीक है, अब कैसेट जो है वो इंटीरियर साइड पे हमारी पड़ी हुई है. ठीक है, इंटीरियर साइड पे कैसेट है दैट मीन्स के जो हमारा हार्ट है दैट इज वेरी क्लोज टू द कैसेट. So there will be minimum magnification. अगर हम लोग कैसेट से उसको दूर कर देते हैं तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी, हमें जो कार्डिक जो हमें नजर आ रहा है हार्ट वो हमें थोड़ा सा मैग्निफाई नजर आ सकता है इन केस ऑफ एपीवी. एपी में क्या होगा कि जो कैसेट विल बी ऑन द पोस्टीरियर साइड तो हमारे पास हार्ट एंटीरियरली प्लेस होता है, तो जब तक पोस्टीरियर जब उसके अंदर से रेस पास होंगी चेस्ट वॉल के अंदर से तो पोस्टीरियर तक जाते जाते हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगा दैट विल बी मैग्निफाइड इमेज. सो दिस इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन पीए एंड एपी व्यू. तो पीए व्यू ही हम लोग रूटीनली करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी. जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमारे पास वो पेशेंट जो कि इमरजेंसी में है या फिर हमारे पास बेड रिटन है, ठीक है, वो पेशेंट जो कि खुद अपना एक्सरेज नहीं वहां चल के करवा सकते हैं और बेड पे है आईसीयू में है या इस तरह, उसके लिए हम पोर्टेबल एक्सरेज परफॉर्म करते हैं. मैंने बताया था आपको उसमें हमें ये पता होता है कि एपी व्यू है और एपी व्यू में हार्ट अगर है तो वो हमें थोड़ा मैग्निफाई नजर आएगा. ठीक है, वो सारे तो हमें एपी व्यू के प्रॉब्लम वो हमें पता होते हैं, लेकिन फॉर नॉर्मल रूटीन हम लोग पी एल व्यू ही करते हैं. बस इन केस ऑफ इमरजेंसी या आईसीयू पेशेंट we will do APV. ठीक हो गया, तो डिफरेंस पता चल गया. पीए के अंदर जो है हम लोग चेस्ट वॉल के करीब बिल्कुल कैसेट रखते हैं टू मिनिमाइज द कार्डिक मैग्निफिकेशन. ठीक है, और एपी के अंदर जो है ना कार्डिक मैग्निफिकेशन हमें ज्यादा नहीं है. अच्छा, ऑन द लेटरल व्यू द पेशेंट लेफ्ट साइड इज अगेंस्ट द फिल्म देयरफॉर द राइट साइड वुड बी मैग्निफाइड. अच्छा, अब इसी तरह हम अगर लेटरल व्यू की बात करें, लेटरल व्यू के लिए तो हम किसी भी तरह पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं या इस साइड पे रख लें एक साइड पे, तो हमें तो लेटरल व्यू मिलेगा. बट फॉर नॉर्मल इस तरह हम पी ए व्यू करते हैं, इसी तरह हम लोग लेटरल व्यू के लिए भी पेशेंट की जो लेफ्ट साइड है, हमें पता है हार्ट किस साइड पे, हमारा लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड विल बी टूवर्ड्स द कैसेट, कैसेट विल बी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट. पेशेंट जो है वो जब लेटरल खड़ा होता है तो उसकी जो लेफ्ट साइड है वो कैसेट के साथ होगी and the x-rays will be entered from the right side. clear, right side center ho rahe hain aapke x-rays aur jo left side se emit honge aur left side pe hamari cassette padi hai, same uska bhi yahi reason hai ki hamare paas magnification ko hum log minimize kar rahe hain cardiac view. theek hai, the lateral view aur pa view aur ka difference aapko pata chal gaya. normal pa view hum kaise karte hain, lateral view hum kaise karte hain, and what is the difference between pa and ap view, how we minimize the cardiac magnification on pa ya lateral view. clear ho gaya, ye to hamare paas routine normal views hoga. ab ye agar hum log picture dekhen to this is a normal pa view. theek hai, तो इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल एनाटॉमी अगर रीड करें, दिस इज अ नॉर्मल एक्सरे, नो पैथोलॉजी, ये नॉर्मली हमें इस तरह का नजर आएगा एक्सरे. इसके अंदर हमें ऊपर क्लेविकल्स नजर आ रहे हैं. अगर हम लोग इसको नहीं, अगर हम सिर्फ पहले हम लोग इस फिल्म को देखते हैं तो हमें अभी रीड नहीं करना आ रहा, हम लोग ये देख रहे हैं. ठीक है, तो ये देखो, तो अगर बोनी स्ट्रक्चर जितने भी वाइट हैं हमें सारी रिब्स नजर आ रही हैं, ये हमारे पास क्लेविकल्स हैं दोनों साइड पे. ठीक हो गया, सेंटर में हमारे पास पोस्टीरियरली बिल्कुल स्पाइन पड़ी होती है और उसके अंदर जो है हमारे पास वर्टेब्रास जो है वो नजर आ रहे होते हैं. बट हमें पता है वर्टेब्रल बॉडी के पोस्टीरियरली हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस होता है जो कि हमें पीए या एपी व्यू के अंदर टिप की तरह नजर आता है, छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं. ठीक है, वो अगर हम लेटरल व्यू करेंगे तो हमें क्लियर उसका व्यू नजर आएगा, बट फॉर द पीए एंड एपी व्यू दैट विल बी ओवरलैप और वो हमें एज अ पॉइंटेड स्पाइनस प्रोसेस नजर आता है ऑन द चेस्ट एक्सरे. ठीक है, ये पीए या एपी व्यू के अंदर. फिर हम लोग देखें तो यहाँ पे नॉर्मल एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यूज. हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ नजर आ रहा है दरमियान में इतना सा, बस यहाँ तक नजर आ रहा है. क्लियर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज ट्रेकिया. वी ऑल नो ट्रेकिया के अंदर हमारे पास एयर है एंड एयर अपीयर्स एज अ ब्लैक ऑन एक्सप्रेस, तो यहाँ पे आके वो बाइफर्केट हो जाता है, तो दिस इज द ट्रेकिया. ठीक, साथ साथ एनाटॉमी देखते रहो. फिर हमारे पास अगर आओ नीचे, दिस इज हार्ट. ठीक है, हार्ट हमें पता है कि किस तरह उसमें चार चैम्बर्स होते हैं और हमारे पास ऊपर
आर्च ऑफ एओर्टा कैसे असेंडिंग एओर्टा ऊपर जाके फिर देन आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू नीचे की तरफ को यूं जाती है। क्लियर है? ये तो आपको नॉर्मल एनाटॉमी पता है। ये कैसे आर्च ऑफ एओर्टा बनती है, हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से असेंडिंग एओर्टा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एओर्टा एंड देन आर्च बनेगी, और ये जो आपको इस तरफ से इस तरह का बल्ब सा नजर आ रहा है ना, दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा, या इसको कहते हैं एओर्टिक नकल या एओर्टिक आर्च। ठीक हो गया? क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा, जहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये असेंडिंग एओर्टा ऊपर जाता है और इस पॉइंट पे वो नीचे की तरफ को डिसेंड होगा। सो दिस विल मेक अ आर्च, जिसको हम एओर्टिक आर्च कहते हैं। तो ये जो बल्ब आपको बाहर की तरफ को नजर आ रहा है, दिस इज एओर्टिक आर्च। ठीक हो गया? और ये नीचे हार्ट। फिर हमें जो है दोनों साइड्स पे जो आपको व्हाइट व्हाइट की छोटी छोटी सी वेसल्स नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द पल्मोनरी आर्टरी। ये सासल एनाटॉमी देखते रहे जो, लेकिन इसके ऊपर आपको क्लियर नजर आ रही है, इसके ऊपर वो ओवरलैप पॉइंटर्स हुए हैं। ठीक है? तो ये व्हाइट हमें जो स्मॉल वेसल्स नजर आ रही है, दीज आर द पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये नीचे जो हमें डोम्स है दोनों साइड्स पे है, दीज आर द डायफ्राम। ठीक है? अगर हम राइट साइड पे हैं तो दिस इज द राइट एट्रियम। ठीक है? ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, फिर ऊपर हमारे पास ये पल्मोनरी आर्टरीज दोनों साइड पे आ गए, एंड ये जो हमारे पास है राइट मेनस्ट्रम ब्रोंकस, जो के आगे हमारे पास डिवाइड करता है, आगे एल्वियोलाई तक जाता है, और छोटे छोटे हमें एल्वियोलाई नजर आते हैं। ठीक है? ये हमारे पास नॉर्मल चेस्ट एक्सरे इस तरह नजर आते हैं। ठीक है? ये जो एंगल नजर आ रहा है ना, ये जूम करके आपको शार्प सा एंगल यहाँ पे नजर आता है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। ज्यादातर पैथोलॉजीज अगर होंगी तो वो हमें इन एंगल्स में नजर आती है, दिस इज कॉस्ट ऑफ फ्रेनिक मार्जिन इनको भी कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ज्यादा एंगल्स जो कि हमें अबनॉर्मलिटीज को यहाँ पे क्लियरली नजर आ सकते हैं। क्लियर हो गया? दिस इज द नॉर्मल पी ए व्यू एनाटॉमी। ये स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं, दीज व्हाइट आर द रिब्स, ये ब्लैक हमारे पास कौन क्या है, लंग्स हैं दोनों साइड्स पे, और उसके अंदर व्हाइट जो है नॉर्मल हमारे पास वेसल्स है, दरमियान में ये जो ब्लैक यहाँ तक नजर आ रहा है, दिस इज ट्रेकिया। आगे जो है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोगों ने मीडियास्टिनम को देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, लेटरल व्यू में देखते हैं, ताकि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं दैट विल बी क्लियरली सीन ऑन द लेटरल व्यू। ठीक है? हार्ट में तो देखिए, हार्ट पे हमें पीए के अंदर इसी तरह नजर आएगा, इस साइड पे हमें लेफ्ट वेंट्रिकल और इस साइड पे हमें राइट एट्रियम नजर आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर ये जो है ना आर्च ऑफ एओर्टा इस तरह करके डिसेंड होगा। ओके? असेंडिंग एंड आर्च एंड देन डिसेंडिंग। दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द चेस्ट एक्सरे। क्लियर? अब आज नॉर्मल लेटरल चेस्ट एक्सरे, अगर हम लेटरल व्यू पे देखें तो पोस्टीरियरली वी नो कि हमारे पास स्पाइन है, और ये जो हमारे वर्टेब्रास पड़े हैं नजर आ रहे हैं, ये दीज आर द वर्टेब्रल बॉडीज। ठीक है? और इसके अंदर जो ब्लैक कलर की लाइंस आ रही हैं, ये आप डिस्क देख रहे हो, और इसी से हम लोग कह सकते हैं कि अगर स्पाइन का एक्सरे करते हैं तो हम लोग उसको देखते हुए देखते हैं कि यार इसके अंदर क्या कहते हैं, वर्टेब्रल स्पेस रिड्यूस हुई हुई है, तो वो हमें इससे क्लियरली पता चल सकती है कि दोनों वर्टेब्रा आपस में रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है? उसके अंदर जो डिस्क है उसके अंदर स्पेस जो है वो रिड्यूस हो गई है। फिर आगे हम आ जाए तो आगे हमारे पास ये हमारे ट्रिकिया पड़ा हुआ है, जो ब्लैक कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है? और आर्च ऑफ एओर्टा हमें लेटरल पे पूरी आर्च नजर आती है, ये यूं करके। ठीक है? दिस इज द एओर्टिक आर्च, जो व्हाइट कलर की हमें आर्च नजर आ रही है। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल उसके साथ ही ऊपर, और पल्मोनरी आर्टरीज जो के ब्रांचेस दे रही है। सो दिस इज द नॉर्मल लेटरल चेस्ट एक्सरे एनाटॉमी। ठीक है? हाउ टू रीड द चेस्ट एक्सरे, सबसे पहले आपके पास कोई एक फिल्म में पकड़ाती हूँ, आपको पकड़ाई मैंने ये व्यू की एक फिल्म। ठीक है? एंड आई इफ आई आस्क इसको रीड करूँ और मुझे पॉइंट्स बताओ क्या तुम्हें समझ आ रही है इसके ऊपर, तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे, उस पेशेंट का मेंटल इमेज ऑफ द पेशेंट, दैट मीन्स कि आपको पता हो कि पहले वो है किस एरिया का इमेज। ठीक है? फिर हम लोग, आपने मुझे बता दिया दिस इज द फिल्म ऑफ अ चेस्ट एक्सरे। ओके? देन नेक्स्ट आप बोलोगे इट्स अ फिल्म ऑफ फीमेल या मेल, आपने जेंडर देखना है, ये सब चीजें मेंशन होती है उसके ऊपर। देन साइज, शेप, पोजीशन ऑफ द पेशेंट, अप्रोक्सीमेट एज, लाइंस एंड ट्यूब, दीज ऑल आर मेंशन हम लोग वहां पे, जो हमारी फिल्म या फिल्म कह रही हूँ, फिल्म के ऊपर तो ये कुछ चीजें मेंशन है, जेंडर वगैरह, नेम वगैरह, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर साइन। ठीक है? राइट एंड लेफ्ट मार्कर साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द फिल्म,
बट वी कैन सी कि हम लोग सबसे पहले जब भी रीड करेंगे चेस्ट एक्सरे को तो वी शुड नो दीज पॉइंट्स, ठीक है? तो क्योंकि दोनों में ये चीजें जो है ना डिफरेंट हो सकती है, मेल में थोड़ी सी नाक में डिफरेंट हो सकती है, फीमेल में थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, देन व्हाट वी आर सीइंग उसका साइज, हार्ट का, लिवर का, सॉरी लंग्स का, ठीक है, उसका साइज, शेप, पोजीशन ऑफ द पेशेंट, किस पोजीशन में उसका एक्सरे किया गया, इट्स अ लेटरल व्यू, इट्स अ पीयर व्यू, एपी व्यू, व्हाटएवर, ठीक है? एंड देन वी अप्रोक्सीमेट एज, एज वाइज भी जो है वो हमारी एनाटॉमी जो है और उसके अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं, तो वी शुड नो अबाउट द एज के वो यंग है या फिर हमारे पास ओल्डर पेशेंट. Lines and tubes, then हमारे पास foreign bodies, if we see any foreign bodies, हमारे पास कोई ऐसा metallic चीज जो है वो हमें X-rays पर नजर आ रही है, या फिर हमारे पास वो patient की proper position, sorry preparation नहीं थी, या फिर हमारे पास कोई कोई भी metallic object जो है वो as a artifact हमें नजर आ रहा है X-ray के ऊपर, ये foreign body के उस पर, तो वो मेटालिक चीज जो है वो नजर आ सकती है. अदरवाइज अगर कोई एबनॉर्मलिटी, फॉर एग्जांपल किसी को कोई बुलेट लगा है या कुछ और उसने पिन कहीं लगी हुई है, ठीक है, या फिर उसने कोई चीज खा ली है, ठीक है, तो वो पॉइंट वगैरह जिस तरह बच्चे खा लेते होते हैं उनके एक्सरे करवाओ तो वो नजर आते हैं हमारे पास. तो ये हमारे पास सारी फॉरन बॉडीज हैं जो कि हमने उसके ऊपर देखनी होती है, ठीक है? देन हम लोग एवेल्युएट द सॉफ्ट टिश्यू सिस्टमैटिकली, डोंट फॉरगेट, ठीक है? फिर हम लोग सॉफ्ट टिश्यूज सारे देखते हैं, जिस भी एरिया को हमने एक्सरे किया है, हम लोग बोन्स के बाद उसके सॉफ्ट टिश्यूज को देखते हैं, जो जो नजर आ रहे हैं, नेक शोल्डर या डायफ्राम, एब्डोमेन, ब्रेस्ट टिश्यूज, एवरी सॉफ्ट टिश्यूज विल हैव टू बी इवैल्यूएटेड, ठीक हो गया? ये हम लोग चेस्ट एक्सरे रीड करने के बाद, फिर हम लोग चेस्ट एक्सरे के ऊपर आ जाते हैं, इवैल्यूएट द लंग्स, ठीक. लंग्स अब चेस्ट एक्सरे में इज इम्पोर्टेंट ऑर्गन, यही ऑर्गन है जिसको हमें ज्यादा रीड करना होता है. रिब्स में ज्यादातर हमारे पास फ्रैक्चर जो नजर आ सकते हैं, बोनी जितनी पैथोलॉजीज में, अदरवाइज जो है हमें जितनी भी अबनॉर्मेलिटीज हैं, डिजीजेज हैं, वो हमें लंग्स की ही दिखती हैं. तो लंग की हमें नॉर्मल एनाटॉमी रीड करनी आनी चाहिए, देन हम लोग उसकी पैथोलॉजीज को पिक कर सकते हैं. तो इवैल्यूएट द लंग्स, उसके इंटरस्टीशियम, एयरवेज एंड प्लूरा, अच्छा इन्फ्लेशन स्टेटस, अच्छा जो प्लूरल मार्जिन है आउटसाइड ऑफ दैट लंग जिसने सराउंड किया हुआ है उसको देखना, और उसके दरमियान जो हमारे अगर फॉर एग्जाम्पल जो स्पेस पे कोई आ जाता है, फ्लूड आ जाता है, एयर आ जाती है, तो वो उसको इवैल्यूएट करना. एबनॉर्मल डेंसिटीज में ल्यूसेंसीज, दैट मीन्स कि हमें लंग्स के अंदर या कोई स्ट्रक्चर अगर एबनॉर्मलिटी में उसकी डेंस नजर आ रहा है, कोई ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है या ल्यूसेंस नजर आ रही है, वाइट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, तो वी ऑल have to evaluate the lungs and their abnormal densities and lucencies. उसके अलावा हमें कोई masses lungs में नजर आ रहे हैं, infiltrations नजर आ रहे हैं, calcification, fissure location and thickness. Right upper lobe bronchus is always higher than the lower upper lobe bronchus. इसका क्या मतलब है? जो right lobe है that is slightly higher than the left lobe. Because, आपको पता है कि नॉर्मली इधर लिवर पड़ा होता है नीचे, ठीक है? तो लिवर जो है वो थोड़ा हमारे पास बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा ऑर्गन है एब्डोमेन का. तो इसी तरह जिस तरह हमारी किडनी जो है वो राइट साइड वाली थोड़ी सी नीचे है और लेफ्ट साइड वाली थोड़ी सी ऊपर है, बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द लिवर, जो लिवर ऊपर पड़ा हुआ है उसमें थोड़ा सा पुश किया हुआ है किसको, किडनी को, इसी तरह नीचे, इसी तरह इसने लिवर ने ऊपर की तरफ को डायफ्राम को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट किया हुआ है. तो हमें जो राइट साइड है दैट विल बी हायर देन द लोअर लोब ब्रोंकस, क्लियर हो गया? अच्छा, फिर हम आ जाते हैं ब्लड वेसल्स की तरफ. हमें और क्या चीजें चेस्ट एक्सरे पे नजर आ रही है? हमें छोटी छोटी सी वेसल्स नजर आती है नॉर्मली, ठीक है? चेंज योर अटेंशन टू द ब्लड वेसल्स, द साइज, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी यूजुअली इज हायर देन द लेफ्ट, ओके? Don't forget to check the lateral as this is the best way to look at the posterior costophrenic recess, anteroposterior mediastinum and have you localized lesion suspected on the frontal view. That means ki jo structures hame overlap ho rahe hain on the PA and AP view, we can easily see these structures on the lateral view. Hame mediastinum jo posterior structures pade hue hain anteroposteriorly ya posterior anteriorly, the structures clearly we can see on the lateral view. जो स्ट्रक्चर्स ओवरलैप हो रहे हैं, क्लियर हो गया? तो ब्लड वेसल्स भी हमें उनकी लोकेशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी नजर आ सकती हैं.
फिर हमारे पास कुछ स्पेशल या मिस एरियाज हैं जो कि हम लोग एपी या पीएमयू के अंदर मिस कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली पैथोलॉजीज जो है ना वहीं पे समझ लो कि स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे हमें पैथोलॉजीज मिलती हैं. तो नोट द स्पेशल इंटरेस्ट एंड ऑफन मिस्ड एरियाज दैट इज एपिसिस वेयर मोस्ट कैंसर डेथ्स, पेरिफेरल लंग मार्जिन्स, हाइलर, रिट्रोकार्डिक या कार्डिक फ्रेनिक या कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स, जो कि मैंने भी बताया था कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स जो कि कॉर्नर्स पे हमें नीचे की तरफ को नजर आ रहे, कार्डिक और उसके दरमियान लिवर के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज द कार्डियोफ्रेनिक एंगल, रिट्रोकार्डिक एरिया जो कि पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है कार्डिक के, ऑल द रीसेसेस जो कि हमें ओवरलैप हो रहे हैं पोस्टीरियर व्यू के अंदर, नेटिव व्यू के अंदर, वी कैन सी ऑन द लिटरल. सो जो हमारे पास रूल था क्या था, जो हमारे पास टू रूल वाला था कि हमने दो व्यूज हमेशा एक्सरेस में लेने होते हैं, दैट इज एप्लीकेबल के एपी या पीए व्यू अलोंग विद द लेटरल व्यू, दो स्ट्रक्चर्स हु आर ओवरलैपिंग वी कैन सी ऑन द लेटरल व्यू या दूसरे किसी इमेज के ऊपर हम लोग उसको क्लियरली सीन कर सकते हैं. देन वी हैव द मीडियास्टिनम. अब जो स्ट्रक्चर्स हमारे मीडियास्टिनम के पोस्टीरियरली पड़े हुए हैं दैट आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, हमारे पास एसोफेगस है, हमारे पास ट्रेकिया है, हमारे पास आर्टरीज जो है वो वहां पे आगे बाइफर्केट होती हैं और हमारे पास राइट और लेफ्ट लंग्स में चली जाती हैं, बट मीडियास्टिनम में इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग उसको लेटरल व्यू के ऊपर देख सकते हैं. इवैल्यूएट द साइज शेप पोजीशन इन बोथ व्यूज पीए या लेटरल, अटेंशन टू द मीडियास्टिनम लाइन, ये सब कुछ जो है ना इसे रीड कर लो इसको, ठीक है, इसमें क्या है, लुक फॉर any chambers enlargement, evaluate the course of aorta and the position of the arch pulmonary artery, everything that is located in the mediastinum posteriorly or anteriorly, wo structures jo hai wo hum logon ne dekhne hain, wo structures kon kon se ho sakte hain, wahan pe arch of aorta nazar aa sakti hai, theek hai, hame chambers ko enlargement dekhni hai ya fir wo hame clearly nazar aa sakti hai, theek hai, svc superior vena cava frontal view ke upar, ठीक है, पैराट्रेकियल स्ट्राइप नॉर्मल इज लेस देन 5 mm, यूजुअली 2.5 mm, पैराट्रेकियल जो हमारा एरिया है ट्रेकिया के अराउंड जो हमें नजर आ रहा है वो हमें कभी कभी डायलेट हो जाता है, उसकी नॉर्मल मेजरमेंट जो है 2 to 3 mm है, लेस देन 5 mm चाहिए, व्हिच टर्मिनेट्स एट द एजाइगस वेन, दिस पोर्शन वुड बी 1 cm लेस, नेवर एक्सटेंड बिलो द राइट बंपर. फिर लेफ्ट सबसेवियन स्ट्राइप जो है वो हमारे पास एरिया कितना होता है, वो 1 to 1.5 cm है. ऑन द लेटर व्यू द पोस्टीरियर ट्रेकियल वॉल इज सीन विद मेजर नो मोर देन 4 mm, दिस इज द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ट्रेकिया एंड दैट विल नॉट बी मोर देन 4 mm ऑन द लेटर व्यू. लेटर व्यू के ऊपर ही हमें पोस्टीरियर नजर आ सकती है बिकॉज एपी पे तो वो क्या होता है, ओवरलैप हो सकता है. फिर हमारे पास एसोफेगस है मीडियास्टिनम में जो कि एपी या पीए पे तो हमें बिल्कुल भी नहीं नजर आता, बट ऑन लेटरल व्यू यू कैन सी एसोफेगियल लाइन दैट सीन ओनली ऑन द पीए व्यू इंटरफेस बिटवीन द राइट अपर लोब सॉरी लोअर लोब एंड द मीडियास्टिनम एज अलोंग द एसोफेगस एजाइगस वेन, और ये हमें बट व्हाइट कलर का नजर आता है तो हम लोग उसके ऊपर इतना जो है ना इसको क्या कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिकॉज बोन्स भी वहाँ पे भी मीडियास्टिनम को पोस्टीरियर बोन्स का की वजह से भी नजर आती है, बट एयर हमारे पास ब्लैक है इसकी वजह से हम ट्रेकिया को बहुत अच्छे से देख सकते हैं. एओर्टो पल्मोनरी विंडो सीन ऑन द फ्रंटल व्यू, ठीक है, ये सारी चीजें जो है दैट कैन बी सीन ऑन द मीडियास्टिनम जो कि ओवरलैप हो रही थी और हम लोग उसको या तो लिटरली देख रहे हैं क्लियरली या फिर हम लोग उसको थोड़ा सा पीए पे ही हमें क्लियर नजर आ रहे हैं. Moving towards the bones, अब हमारे chest X-ray के अंदर bones कौन कौन सी है, chest wall, bony thorax include the spine, that is posteriorly हमारे पास जो spine पड़ी है और उसके अंदर जो vertebral body वो हम लोग या तो laterally देख रहे हैं या फिर हम AP PA पे देख रहे हैं, lateral देख रहे हैं तो हमें पूरी उसकी vertebral body along with the spinous process posteriorly नजर आता है, but PA view के ऊपर हमें क्या नजर आता है, vertebral bodies नजर आती हैं just और भी हमें स्पाइनस प्रोसेस जो पोस्टीरियर है वो एज अ पॉइंटर उस वर्टेब्रल बॉडी के अंदर शुरू होता है, ठीक है. उसके अलावा हमारे दोनों वर्टेब्रल बॉडीज के दरमियान में हमें क्या नजर आता है, दिल जाता डिस्क जो कि हमें स्पेसिस का बता सकती हैं कि रिड्यूस स्पेस है या फिर उसके अंदर कोई ऑस्टियोफाइट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं बोन्स के अंदर या वो साइकिल बोनी पैथोलॉजी इस तरह नजर आती हैं. लुक फॉर द एबनॉर्मल जॉइंट्स बोनी लैटिक इलास्टिक या सॉफ्ट टिश्यू लिजंस एंड फ्री एयर, ये सारी हमारे पास बोन्स की पैथोलॉजीज हैं, ठीक है. अच्छा,
फिर हमारे पास कुछ साइंस हैं, वो क्या साइंस हैं जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड सॉरी एक्सरेस के ऊपर यूज करते हैं। एक हमारे पास साइन है जिसको कहते हैं सिलोवेट साइन। ये सिलोवेट साइन क्या होता है, बेसिकली सिलोवेट होता क्या है, इट्स अ साइन एक्सट्रीमली यूजफुल इन लोकलाइजिंग नंग लीजन। बेसिकली सिलोवेट होता ये है कि हमारे पास कोई डार्क एरिया या ब्लैक एरिया, बैकग्राउंड व्हाइट हो, उसके अंदर हमें कोई चीज नजर आए, दैट साइन इज नोन एज सिलोवेट साइन। क्लियर हुआ? दैट मीन्स कि हमारा बैकग्राउंड व्हाइट था, उस बैकग्राउंड व्हाइट के अंदर हमें कोई डेंस चीज नजर आ रही है, ब्लैक नजर आ रहा है, दिस साइन इज नोन एज सिलोवेट साइन। तो सिलोवेट साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लोकलाइजिंग द लंग लीजंस। लॉस ऑफ राइट बॉर्डर इन द आरएमएल निमोनिया के अंदर जो है ना वो हमें नजर आ सकता है, वो आप आगे पढ़ते हैं डिजीजेस में तो वो हमें नजर आएगा, बट यू ऑल नो व्हाट इज सिलोवेट साइन। इट्स अ डेंस स्ट्रक्चर या ब्लैक स्ट्रक्चर विद द बैकग्राउंड व्हाइट, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर हमें ब्लैक या डेंस स्ट्रक्चर नजर आता है, उस साइन को हम कहते हैं सिलोवेट साइन। देन वी हैव एयर ब्रोंकोग्राम, ठीक है, ये साइंस ये अब वन बाय वन मैंने आगे सारे मेंशन किया हुआ अलोंग विद द पिक्चर्स, ठीक है, उसमें आपको क्लियर नजर आएगा, बट साइंस आप याद रखो तो सिलोवेट साइन, एयर ब्रोंकोग्राम, एक्स्ट्रा प्लूरल साइन, ठीक है, वो जो हमारी प्लूरल कैविटी है या प्लूरल एरिया है उसके अंदर हमें क्या क्या साइंस नजर आ सकते हैं, उसकी डिजीजेस क्या क्या हो सकती है, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स क्या है, किसको किसके साथ हम लोग कहें कि ये चीज ये पड़ी है तो इसके सराउंड में ये चीज हो सकता है, व्हाट विल बी द एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। ठीक, तो दीज आर द साइंस ऑफ। अच्छा, अब मूविंग टुवर्ड्स द पैथोलॉजीज। अब हमने नॉर्मल एक्सरे पढ़ लिया है, नॉर्मल एक्सरे के अंदर हमें किस तरह नजर आ रही है स्ट्रक्चर्स, उसकी एनाटॉमी और सम साइंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेटरल व्यू, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीए व्यू। 10 मिनट और पढ़ेंगे, मेरा दिल है कि मैं इस पूरे आगे जो है ना ज्यादा, ये अभी आप देख रहे हो 42 स्लाइड्स है, मैं 13 पे ही, अभी आगे ना ज्यादातर वो है पिक्चर्स हैं, ठीक है, तो मेरा इरादा है कि अगले लेक्चर तक इसको लेके जाऊँ, 2 लेक्चर्स में इसको कवर करवाऊँ ताकि हम लोग इसको देख लें। और अगर करवाती हूँ ऐड तो छोटा सा सिर्फ बोन्स के लिए, नी का पैथोलॉजी उसके लिए। अच्छा, व्हाट इज निमोनिया, निमोनिया क्या होता है, निमोनिया इज वेरी कॉमन के भी ये निमोनिया है, उसको चेस्ट एक्सरे करवाओ, लंग्स की पैथोलॉजी है, ठीक है। निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ द एयर सैक्स, ठीक है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है या फिर उस इन्फेक्शन की वजह से योर लंग्स एयर सैक्स जो है ना वो फिल अप हो जाते हैं फ्लूड या पस की वजह से, कॉजिंग सिम्टम्स सच एज कफ, फीवर, चिल्स एंड ट्रबल ब्रीदिंग, ठीक है। पेशेंट जो है वो इन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, उसका चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, उसके एल्वियोलाई के अंदर जो है आपको ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन फ्लूइड या पस जो है वो फिल अप हो जाता है, ठीक है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स योर लंग्स एयर सैक्स, द एयर सैक्स मे फिल अप विद फ्लूइड और पस कॉजिंग सिम्टम्स सच एज कफ, फीवर, चिल्स एंड ट्रबल ब्रीदिंग। तो निमोनिया हमें क्या है, निमोनिया हमें इस तरह नजर आता है एक्सरेस के ऊपर, अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको जो एल्वियोलाई हैं छोटे छोटे सैक्स हैं वो बिल्कुल वाइट नजर आ रहे हैं, दैट मींस ड्यू टू इन्फ्लेमेशन उसके अंदर जो एयर सैक्स थे दैट इज फिल्ड अप विद पस यहाँ पे हमारा फ्लूइड, ठीक है। तो वो हमें कैसा नजर आ रहा है, इस तरह छोटे छोटे सैक्स जो है, सो दिस इज द, ये नॉर्मल अगर एल्वियोलाई देखें तो दीज आर एयर सैक्स, इसके अंदर एयर। अगर हम निमोनिया की बात करें तो ये जो छोटे छोटे एल्वियोलाई हैं दैट इज फिल्ड अप विद एनी फ्लूइड या पस, ये जो येलो येलो नजर आ रहा है and that will appears as a white small small fill up of the air sacs on the x-rays. So ye pneumonia hum log is tarah nazar aata hai. What will be the finding of the pneumonia, depending upon the amount and distribution of the air spaces involved, this may present as a confluent parenchyma opacity ya merely patchy opacity. Opacity is the white structure jo hume opaque nazar aate hai na, तो वो या तो हमें कोई एक लोबार या एक सेगमेंट के अंदर नजर आ सकता है, ठीक है, उसने लोअर लोब को इन्वॉल्व किया, उसने अपर लोब को, मिडल को, ठीक है, लोबार या सेगमेंटल ओपेसिटी हो सकती है या पैची ओपेसिटी हो सकती है। पैची के अंदर क्या है, पैचेस हमें नजर आ सकते हैं लंग्स के अंदर, कहीं 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 पैच व्हाइट व्हाइट के नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स वो पैची ओपेसिटीज है, वो हमें क्या बता रही है, दिस इज द। If the interstitium is predominantly involved, it may appear as a reticular nodular pattern. अब nodules जिस तरह के नजर आते हैं ना, अब इसके अंदर तो क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे sacs proper filled up हो रहे थे,
दो तीन साइड से अगर एक जैसे साथ नजर आए तो उनमें बड़े बड़े व्हाइट कलर के नोड्यूल्स नजर आ सकते हैं. एयर ब्रोंकोग्राफ्स कंफर्म एज एल्वियोलर प्रोसेस. जो हमारे पास ब्रोंकोग्राफ्स है या ब्रोंकस है उसके उसकी रीडिंग करें अगर हम उसके अंदर हमें एयर मिल रही है तो उसको हम एयर ब्रोंकोग्राफ्स कहते हैं. वो एल्वियोलाई के अंदर अगर हमें मिल रही है कंफर्म एज एल्वियोलर प्रोसेस, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, रिप्लेस करेगा वो एयर ब्रोंकोग्राफ विद fluid or pus and that leads to the pneumonia. The lung volume would not be lost, उतना ही रहता है. lung जो है वो dilate नहीं हो जाएगा, उसका जो उतना ही रहेगा. Usually all radiographic abnormalities should disappear after 6 weeks of appropriate antibiotic therapy. ठीक है, तो अगर वो patient antibiotic के ऊपर है तो वो जो radiographic appearance है वो हमारे पास disappear हो सकती है अगर वो 6 weeks तक antibiotic ले रहा है. However, pneumonia may be complicated by abscess or emphysema formation. वो आगे जो है वो क्या complications हो सकती हैं, जो पहले fluid था वो abscess में convert हो गया, emphysema formation है, ठीक है. और ये सारी जो है वो भी हमें specific antibiotic therapy के बावजूद जो है वो radiographic films के ऊपर disappear नहीं होगा. Example of pneumonias and how to determine location. Look for the silhouette sign loss of the usual visualized borders. Silhouette sign again वही हमें white structures नजर आएंगे with the background sorry black structures नजर आ सकते हैं with the background white. अगर हम लोग को उस structure के अंदर हमें इस तरह की densities नजर आ रही है abnormal densities तो वो हमारे पास silhouette sign is the example of the pneumonia. ठीक है. कंसोलिडेशन और निमोनिया में क्या फर्क है, सेम ही है. कंसोलिडेशन के अंदर भी क्या होता है, सोलिडेशन सॉलिड स्ट्रक्चर जो है ना कोई भी, वो फ्लूड नहीं हो सकता, वो कोई पस नहीं है, वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है. दैट विल फिल द एल्वियोलाई. ठीक, जो हमारे एल्वियोलाई है वो कोई डेंस मटीरियल या डेंस स्ट्रक्चर से जो है वो फिल्ड अप हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें वाइट एरियाज वो डेंसर एरियाज नजर आ सकते हैं जो जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं. अच्छा, निमोनिया के भी जो हमारे पास अपीयरेंस होती है वो भी वाइट ही नजर आती है. वी कैन से कंसोलिडेशन एज अ निमोनिया एज वेल. ठीक है, वो कंसोलिडेशन भी है वो निमोनिया भी है. ठीक हो गया दैट. लेकिन निमोनिया के अंदर हमें सैक्स छोटे छोटे जो है वो नजर आते हैं, कंसोलिडेशन के अंदर ज्यादा वाइट ब्राइट स्ट्रक्चर नजर आता है. ठीक है, अगर तो वो एल्वियोलर फ्लूइड या पस की वजह से जो है वो हमें नजर आ रहे हैं तो वो हमें लेस डेंसर नजर आएगा, बहुत वाइट नहीं नजर आएगा. बट कंसोलिडेशन अपीयर्स लाइक आपकी जिस तरह की बोन्स है ना सेम वैसे ही वाइट स्ट्रक्चर्स हमें उसके ऊपर नजर आ सकते हैं. स्मॉल एयरवेज फिल्ड विद डेंस मटेरियल द लंग इज सेड टू बी कंसोलिडेटेड. क्लियर हो गया. So this is important to be aware that consolidation does not always mean there is an infection and small airways may fill with material other than pus as in pneumonia such as fluid pulmonary edema, blood, hemorrhage or cells that are cancer. They all look similar and clinical information on happens often helps you decide the diagnosis. That means ke jo consolidation hai wo sirf fluid ki wajah se nahi ho sakti hai, वो पस, वो फ्लूइड, वो ब्लड दैट इज हेमरेज या वो कैंसर सेल्स जो है वो भी हमें इसी तरह के वाइट नजर आएंगे. दीज ऑल अपीयर एज अ कंसोलिडेशन. ठीक है, अगर मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द कंसोलिडेशन पूछूं तो यू शुड नो कंसोलिडेशन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है फ्लूइड, ठीक है, पस, इसके अंदर ब्लड, इसके अंदर हेमरेज, इसके अंदर कैंसर सेल्स. दीज ऑल अपीयर्स सेम एज wide dense structures जो कि हम consolidation के नाम से हैं. clear हो गया. consolidation basically wide dense structures. ठीक है, white color के हमें वहाँ पे जिस तरह की bones हैं इस तरह के नजर आ सकते हैं. और अगर सिर्फ pus और fluid की वजह से है तो pneumonia है. ठीक है, consolidations pneumonia और pus और इसके अलावा और भी कुछ structures की वजह से जो है ना वो हमें नजर आ सकती हैं. जरूरी नहीं है कि उसकी inflammation भी हुई हो, और भी कुछ चीज की वजह से जो है वहां पे हमें ऐसा कंसोलिडेशन नजर आ सकते हैं. सो दीज आर सम इमेजेस ऑफ कंसोलिडेशन. दिस इज द राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन. ये अगर आप देखो तो राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन नजर आ रहे हैं. ठीक है, व्हाइट व्हाइट कलर के. ठीक है, ठीक है, राइट लोअर लोब. ठीक है, ये राइट साइड का लोअर लोब जो है पूरा व्हाइट हुआ है. क्लियर है, दिस इज अ राइट लोब कंसोलिडेशन.
कुछ सेटिंग की वजह से मैं डिजाइन में कुछ चीजें ओवरलैप कर दी हैं, इसको मैं जरा सेट करके ना सब वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जिस तरह हमारे पास क्या है, राइट मिडल लो निमोनिया हो गया, ये कंसोलिडेशन आ गई राइट साइड की मिडल लो, ये निमोनिया आ गया। ठीक है, अब देख रहे हो निमोनिया जो है राइट मिडल लोब के अंदर और कंसोलिडेशन के अंदर फर्क देख रहे हो, बिल्कुल हमें ये एरिया जो है बिल्कुल वाइट नजर आ रहा है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लैक हमें वो भी नजर आ रहा है लंग के। ठीक है, तो निमोनिया जो है वो लेस डेंसर होता है कंसोलिडेशन से, बिकॉज वो पसियां उसकी वजह से। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट लोब निमोनिया है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, राउंड निमोनिया। राउंड निमोनिया आर फाउंड टिपिकली इन द चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफन द ऑर्गेनिज्म इज न्यूमोकॉकस। ठीक है, तो राउंड निमोनिया क्या हो सकता है, हमें कोई राउंड स्ट्रक्चर्स नजर आ सकते हैं निमोनिया जैसा नजर आता है, वो पैची पैची या हमें डिफरेंट पूरा उसने पूरे लंग को कवर किया होता है, एक लोब को कवर किया होता है सेगमेंट, बट राउंड के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया राउंड वाइज मतलब जिसका राउंड होता है ना वो एरिया हमें वैसा राउंड स्ट्रक्चर नजर आ सकता है, उसी एरिया के अंदर हमें निमोनिया नजर आ सकता है। दिस इज मोस्ट ऑफन बिकॉज ऑफ द ये जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है हमारे पास न्यूमोकॉकस की वजह से, और ये टिपिकली जो है ना ज्यादातर जो है हमारे पास बच्चों में इस तरह नजर आ सकता है। निमोनिया अपीयर्स रॉन्ग बिकॉज ऑफ द पुअरली डेवलप्ड कोलेटरल पाथवेज ओवर टाइम, दो इनिशियली राउंड इट डेवलप्स इनटू मोर कंसोलिडेटेड पैटर्न। ये अगर आप इसके अंदर देखो तो ये राउंड हमें स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, ये हमारे पास राउंड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो वो प्रॉपर हमें एक व्हाइट कलर का राउंड, एक जिस तरह हम बोल दो ना कि एक ओवल सा एक हमें राउंड स्ट्रक्चर नजर आएगा पूरे लंग में, दिस इज द राउंड निमोनिया। ठीक है, एयर अब ब्रोंकोग्राम से हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, फिर हमारे पास कुछ इमेजेस हैं उसके साथ हम इसको फिर कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, नॉर्मल उसके व्यूज और निमोनिया और कंसोलिडेशन तक क्लियर है, फिर हम लोग एयर ब्रोंकोग्राम को नेक्स्ट लेक्चर में जाके इसको कवर करेंगे। बच्चे कितने कम आए हैं, आज एग्जाम है आप लोगों का कोई? यस मैम। किसका? न्यूक्लियर मेडिसिन का मैम, 11 बजे। 11 बजे था अभी तो क्लास का बहुत टाइम पड़ा हुआ है, एक घंटा था, इसी टाइम में पढ़ना है। चलो मैं इसीलिए अभी छोड़ रही हूँ, अभी आप लोग पढ़ लो, एक घंटा है आपका, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, चेस्ट एक्सरेज की बाकी फाइंडिंग्स क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अभी तक निमोनिया और कंसोलिडेशन दोनों, कंसोलिडेशन इज मोर वाइटर और जो हमारे पास दूसरा है निमोनिया वो थोड़ा सा कम वाइट होता है, बट दोनों के अंदर क्या होता है, फिलअप होता है एल्विओलाई, वो निमोनिया के अंदर फ्लूइड या फिर हमारे पास बस की वजह से, इसी वजह से वो कम डेंस होता है, और जो कंसोलिडेशन है उसके अंदर कोई अदर देन फ्लूइड जो है कोई मटीरियल जो है वो रिप्लेस कर सकता है, कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं और भी कुछ, तो वो ज्यादा डेंस वाइट नजर आ सकता है, तो कंसोलिडेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन अगर लीड कर रही है कैंसर की तरफ तो वो निमोनिया कैन लीड टू कंसोलिडेशन डेंस, ठीक है, वो भी हमें वाइट बहुत वाइट नजर आ सकती है अभी तक। और नॉर्मल हमने चेस्ट एक्सरे की एनाटॉमी, लेटरल व्यू, पीए व्यू, मैग्निफिकेशंस किस पे नजर आती है किस पे नहीं आती है, हाउ टू रीड द चेस्ट एक्सरे, उसके लिए क्या क्या सॉफ्ट टिश्यूज, ब्लड वेसल्स या फिर हम लंग के अंदर जो पैसेजेस हैं उसको कैसे देखते हैं। सो दिस वर द समरी ऑफ टुडेस लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट में कवर करेंगे, कुछ बातें भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट में, ईद से पहले हमारा लास्ट लेक्चर होगा और फिर उसके बाद ईद के बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे एक या दो। ठीक है, फिर हमारा ऑलमोस्ट सब सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपनी प्रिपरेशन करना फाइनल के लिए। ठीक है, और दूसरा वर्कशॉप की मैंने बात कर ली थी, बट आपका पेपर है अभी तो टाइम कम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को भी बात करें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।